हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ राजस्थान के बीकानेर में, और बीकानेर में मेरा दूसरा दिन है और सुबह के बज रहे हैं 9। कल हम जूनागढ़ फोर्ट गए, वो देखा, और प्राचीन म्यूजियम देखा। तो आज हमें सुबह सुबह जाना तो था करनी माता मंदिर, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है। तो हम ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन सो के ही नहीं उठ पाए। एक 4 बजे ट्रेन थी, एक 6 बजे ट्रेन थी, नींद ही नहीं खुली। तो फिर अब ऐसा सोचा है कि अब आज ही का दिन है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमनी है, तो हम स्कूटी रेंट पे लेंगे और फिर इन जगहों को देखने जाएंगे। तो चलिए, पहले जा रहे हैं हम जूनागढ़ किले के पास, वहाँ पे स्कूटी रेंट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जूनागढ़ किले के पास ये दुकान है संतोष पारस बाइक पॉइंट। यहाँ से हमने स्कूटी रेंट पे ले ली है। तो इसमें दो प्रकार की स्कूटी है इनके पास। यहाँ पे 4G वाली है जो पड़ रही है 250 की, और 6G की एक्टिवा 6G पड़ रही है 400 की। तो ये 250 वाली है, वो सिर्फ शहर का, अगर आप शहर के अंदर चलाना चाहते तो उसके लिए वो देते हैं। अगर आप उसके ऊपर 40 किलोमीटर के ऊपर चलाते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो हमें तो जाना था करनी माता, जो दूर है, यहाँ से 30 किलोमीटर आने जाने का 60-70 पड़ जाएगा। तो फिर हमने स्कूटी ले ली है, जो है पड़ रही है 400 रुपये की। अगर आप, वैसे हम लेना नहीं चाहते थे क्योंकि स्कूटी रेंट, क्योंकि सब बीकानेर में सब रेलवे स्टेशन से पास में ही है, 2-3 किलोमीटर के अंतर पर सब कुछ आप पैदल घूम सकते हैं। लेकिन करनी माता टेम्पल दूर है, तो उसके लिए हमें लेनी पड़ रही है। हमने उनसे बात की थी टैक्सी वालों से, तो वो बहुत मांग रहे थे 1000-1000 रुपये। तो हमें स्कूटी ही ठीक लगा, तो अब चलते हैं। स्कूटी हमने ले ली है। ये दुकान जहाँ आप अभी खड़े हैं या बैठे हैं, ये बीकानेर के बड़ा बाजार क्षेत्र में चाय पट्टी में स्थित है। अपनी शॉप को खोले हुए लगभग 50 साल हो गए, और इन 50 सालों में हमने ये प्रयास किया है कि ग्राहक को वही माल दें जो शुरू में देते थे। आज 1972 में ओपनिंग की, उससे लेकर आज तक एक भी ग्राहक ये नहीं कह सकता कि महाराज आज की क्वालिटी में फर्क है। चाहे तेल 3000 रुपये तीन हो गया तो भी वही माल है, चाहे तेल 2000 रुपये तीन है तो भी वही माल है। हम अपनी पकौड़ी में जो हींग डालते हैं, वो 20000 रुपये किलो की हींग है। जो हींग और लौंग दो ऐसे आइटम है जो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी काम में लिए जाते हैं, और उनका लाभ ये होता है कि ग्रह को एसिडिटी नहीं बनती, गैस नहीं बनती। आप लंबे टाइम तक कचौड़ी पकौड़ी खाओगे तो भी आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और हम लोग कचौड़ी और पकौड़ी बनाते हैं, उसके सारे मसाले अपने घर में पिसवाते हैं। तो ग्रह को ये लगता है कि ये माल मैंने अपने घर पे खाया है। मेरा नाम गोपाल आचार्य है। दुकान का ओपनिंग मेरे पिताजी दुनिया महाराज ने 1972 में की, और बहुत बड़े कड़े संघर्ष के बाद दुकान आज इस स्टेज पर है कि आप जैसे सद्भावी लोग यहाँ दुकान पर आते हैं और हमसे बात करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग यहाँ आते हैं और हमारा प्रचार प्रसार करते हैं। आप यहाँ आए, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बीकानेर में स्कूटी रेंट लेने के बाद हम गए वहाँ पे बड़ा बाज़ार,
और बड़ा बाज़ार में हमने जूनिया वाला के हमने दाल कचौड़ी खाई और हमने एक जगह जलेबी खाई। उसके बाद हम आ गए हैं अब करणी माता मंदिर, जो बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में है। और करणी माता का मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक है। 20वीं शताब्दी में बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे मतलब जो करणी माता देवी हैं उनको दुर्गा देवी का भूमि माना जाता है, समर्पित माना जाता है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, अभी अंदर जाते हैं, आपको अंदर जाते हैं, मंदिर दिखाते हैं और मंदिर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देते चलते हैं। तो चलते हैं अभी करणी माता मंदिर। और आप इस यहाँ पे जो देशनोक जगह है, ये रेलवे स्टेशन यहाँ से करणी माता से लगभग 400 मीटर दूरी पर है। और इसके अलावा आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और बस भी चलती हैं, तो आप आने का बहुत आसान है। बस से भी आएँ, ट्रेन से आएँ या अपनी गाड़ी से आएँ। तो हम तो स्कूटी से रेंट ली थी, तो स्कूटी से आ गए हैं। तो चलते हैं अब करणी माता मंदिर के अंदर की, कैसा है क्या है सब आपको बताते हैं। ये है मंदिर। करणी माता मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि माता करणी मां दुर्गा की साक्षात अवतार हैं। मंदिर की पूरी संरचना संगमरमर से बनी है और इसकी वास्तुकला मुगल शैली से मिलती जुलती है। बीकानेर की करणी माता की मूर्ति मंदिर के अंदर गर्भगृह के भीतर विराजमान है, जिसमें वह एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। देवी की मूर्ति के साथ उनकी बहनों की मूर्ति भी दोनों ओर स्थापित है। करणी माता के मंदिर में आपको करीब 25,000 से भी ज़्यादा चूहे देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि चूहे माता करणी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है, उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर चूहे के होने की वजह से इस मंदिर को मूसक मंदिर भी कहा जाता है। हम अभी करणी माता मंदिर में, हमने ये मंदिर पूरा घूम लिया है। और यहाँ पर मंदिर में आपको बता दूं कि यहाँ चूहे बहुत हैं, यहाँ हर जगह चूहे को देखकर भागते हैं, लेकिन यहाँ चूहों की पूजा होती है। उन्हें यहाँ काबा कहते हैं और उनके लिए दूध रखा जाता है, चने खिलाए जाते हैं। और आपको यहाँ चूहे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चींटियाँ हों। तो उसके पीछे कहानी भी है कि करणी माता का जो है उनका सौतेला बेटा था, और कहानी जो कि उनका बेटा था वो किसी बाहर से मर गया था, तो वो यमराज के पास गई, उसके मतलब जीवित मांगा, तो उन्होंने मूसक के रूप में उसे वो दिया था, पैदा किया। तो इसलिए यहाँ पे उसकी पूजा होती है। और तो अब हमने मंदिर पूरा देख लिया है, मंदिर का देख लिया है अंदर बाहर। तो करणी माता मंदिर को देखने के बाद हम सामने जाएंगे, म्यूजियम है तो म्यूजियम को देखेंगे। और आप यहाँ अगर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो का टिकट है 70 रुपये, फ़ोटोग्राफी के लिए 30 रुपये। तो मैंने यहाँ 70 रुपये का टिकट ले लिया है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो करणी माता मंदिर के बारे में बताया, यहाँ का बेहद पवित्र मंदिर है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऐसे यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं आज वीकेंड नहीं है, फिर भी काफ़ी भीड़ है लोगों की, लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो अभी मंदिर को देखने के बाद हम जा रहे हैं सामने म्यूजियम को देखने। ये पीछे अभी मंदिर के सामने करणी माता का म्यूजियम है, तो उनके पूरे जीवन के बारे में इस म्यूजियम में बताया गया है। तो करणी मंदिर के बारे में यहाँ लिखा है, 6वीं शताब्दी में प्राचीन इस मंदिर का निर्माण विभिन्न चरणों में हुआ। गर्भगृह में मूर्ति स्थल का निर्माण बिना चूने गारे का चट्टानों पर अच्छा स्वयं करणी जी ने किया। जैसलमेर की पीले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है, जो राव जयत सिंह द्वारा कामरानी के विरुद्ध विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में कच्चे मढ़ के मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है। और मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में बलि निषेध है और एक करणी
माता का चरित्र के उनके जीवन के बारे में बताया है, ये पूरा उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो ये म्यूजियम कुछ अंदर से इस तरह से दिखाई देता है। इस म्यूजियम का टिकट 5 रुपये है। तो हमने मंदिर देख लिया, म्यूजियम देख लिया, दोनों चीज़ें देख ली हैं। अब इसके हम अपनी स्कूटी उठाए के वापस बीकानेर लौटेंगे। बीकानेर में भी कुछ जगह हमारी देखने के लिए रह गई, वो देखेंगे। वो इस जगह का टिकट 5 रुपये है। तो करणी माता और देशनोक की यात्रा इतनी ही, अब चलते सीधे बीकानेर। करणी माता मंदिर से अब हम आ गए हैं बीकानेर, और बीकानेर में अब जिस जगह पे पहुँचे हैं उस जगह है रामपुरिया हवेली नाम की हवेली है। बेहद प्राचीन हवेली आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है। बेहद प्राचीन हवेली है। और इस हवेली के बारे में बता दूं तो ये हवेली बीकानेर के रामपुरिया उद्योगपति रामपुरिया का उनका परिवार था, उन्हीं की है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये 1920 में बीकानेर के राजा गंगा सिंह गंग नहर बनवा रहे थे, तो खेतों के लिए लोगों के लिए, तो उसमें जाओ बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। तो उन्होंने उद्योगपति भंवर सिंह लाल रामपुरिया से इस जगह का खर्च उठाने का, और बदले में ये हवेली उनको दे दी थी। तो ये कुछ इस जगह का इतिहास है। पर ये इसके अंदर जाना मना है, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम बाहर से इसको देख रहे हैं, कुछ देर यहाँ रुकेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। बीकानेर की रामपुरिया हवेली को बीकानेर का गौरव कहा जाता है। ये हवेली पुराने बीकानेर में पतली गलियों में स्थित है। ये हवेली लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये हवेली उस समय के सबसे अमीर उद्योगपति रामपुरिया परिवार की थी। रामपुरिया हवेली के बारे में कहानी काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि 1920 में बीकानेर के राजा गंगा सिंह गंग नहर का निर्माण करवा रहे थे ताकि उनकी रियासत की प्रजा को खेती के लिए पानी मिल सके। इस नहर के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च हुआ, तो उन्होंने भंवर लाल रामपुरिया नाम के उद्योगपति से पैसे मांगे और बदले में यह हवेली उनको दे दी। साल 1925 में यह हवेली बनकर तैयार हुई और रामपुरिया परिवार के नाम पर ही इस हवेली का नाम रखा गया। रामपुरिया हवेली पुराने वास्तुकला और भव्यता का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। लाल पत्थरों से बनी हवेली बीकानेर की ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। जब हम और आप इन शांत हवेलियों के पास से गुजरते हैं तो एक प्राचीन यूरोपियन शहर जैसा अनुभव होता है। इस हवेली के आसपास कई व्यापारियों की हवेली हैं, जिनमें उनका परिवार आज भी रहता है। रामपुरी हवेली बीकानेर की एक पहचान बन गई है। कहा जाता है कि इसको देखे बिना बीकानेर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। रामपुरी हवेली देखने के बाद अब हम आ गए हैं लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में ही लक्ष्मी पैलेस में के अंदर ही है। जो ये लक्ष्मी पैलेस है वो तो हेरिटेज होटल है, लालगढ़ भी कुछ हेरिटेज होटल है और दूसरा कुछ म्यूजियम साथ में देखने लायक है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है पूरा। इसको महाराजा गंगा सिंह ने के आदेश पे 20वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और यह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। क्या शानदार, बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर दिखाई देता है। अपग्रेड कहाँ से ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो वही लालगढ़ पैलेस और लक्ष्मी पैलेस दोनों ही हेरिटेज होटल हैं, तो हम वहाँ तो नहीं जा पाए। वहाँ तो बस फॉरनर वाले जो रहने के लिए, मतलब जो होटल में रहने आते हैं वही जा पाते हैं। तो पर यहाँ पर एक श्री शार्दूल म्यूजियम था, वो ज़रूर हमने देखा। उस म्यूजियम काफ़ी छोटा था लेकिन काफ़ी जानकारियों वाला था। बहुत सारे पुरानी मतलब जो म्यूजियम में होता है चित्रकारी पोशाकें फोटोज बहुत सारी कुछ, तो काफ़ी बड़ा था। तो ये म्यूजियम हमने देखा, जिसका टिकट था 50 रुपये टिकट लगा है। और इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो उसका अलग से 50, और वीडियो का तो मना ही था, तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो ये है लालगढ़ पैलेस, जो अब हेरिटेज होटल, इसके पीछे ही है लक्ष्मी पैलेस। तो वो तो हम नहीं देख पाए, ना लालगढ़ पैलेस ना लक्ष्मी पैलेस। तो बीकानेर की हमने ज़्यादातर जगह देख ली, हालांकि कुछ जगह छूट गई जो गजेन्द्र पैलेस, वो जगह नहीं देख पाए। तो बीकानेर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया 2 दिन में। हमने बीकानेर बहुत छोटा सा शहर है का
बिल्कुल ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, आराम से आप पैदल पैदल घूम सकते हैं। हालांकि करणी माता टेंपल के लिए आपको कुछ ना कुछ साधन लेना पड़ेगा, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो हमारा बीकानेर का सफ़र यहीं पूरा होता है। अब आपको एक नई वीडियो में हम एक राजस्थान के नए शहर में मिलेंगे। हम जयपुर से हमारी राजस्थान की यात्रा शुरू हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते अब बीकानेर पहुंच गई है। अब अगले वीडियो में हम आपको एक नया शहर दिखाएंगे, नए शहर के बारे में बताएंगे। मैं अगर आपको हमारी राजस्थान की ट्रिप पसंद आ रही है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।